ये जो इलाके का एक आबाश नौजवान है जिसका नाम है उमर खत्री वल्द मोहम्मद सरवर, ये खोखर कास्ट के हैं। और ये जो इन मनीर मसीह की बड़ी बेटी थी सलमा बीबी, वो लोगों के घरों में काम करती थी। और इस आबाश नौजवान ने उस बेटी को अगवा करके उसके साथ हरामकारी करता रहा है। और फिर इसको हरामकारी की गरज से इसने दीगर लोगों के हाथों फरोख्त कर दिया। और वो दीगर लोगों के हाथों हरामकारी की वजह से हवस का निशाना बनती रही। और हवस की वजह से ही, हरामकारी की वजह से उसकी मौत वाकया हो गई और इनके घर में उसकी नश को फेंक गए। और उसके बाद आज से 15-20 दिन कबल उसी बाश नौजवान ने इस मजलूम मनीर मसीह की बेटी जो छोटी निशा बीबी है, वो भी लोगों के घरों में काम करती है, उसको अजनियावाला के तारक गुरु के घर से निकलते हुए उसको भी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। और जब वो उस बेटी ने इनकार किया तो मुल्ज़म उमर उर्फ खत्री ने बेटी निशा बीबी को ये धमकी दी कि जिस तरह मैंने तेरी बहन सलमा को अगवा भी किया और आगे उसको लोगों के हाथों फरोख्त भी किया, तो अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं भी तेरे साथ भी वही हशर करूँगा, अगवा भी करूँगा और फरोख्त भी करूँगा। इसी वजह से हमें भी पता चला, घर वालों को भी पता चला। और आज मैं मुख्तरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब से ये एज ए मिनॉरिटी लीडर अपील करूंगा, और जनाब अमानुल अतर जूलिया साहब MPA पंजाब और कोऑर्डिनेटर CM पंजाब से ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इस मजलूम फैमिली को इंसाफ दिया जाए। और इन जालम और अबाश नौजवान उमर उर्फ खत्री और इसके साथ जितने भी नाकस मलूम हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, ताकि इलाके में पसमादा तबकात की जितनी भी बेटियां हैं उनकी इज्जत को बहाल रखा जाए। और मेरी दोबारा फिर अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ और इमानुएल अतर जूलियस अवामी MPA साहब और वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है कि मेरे इन मजलूम खानदान को इंसाफ दिया जाए और तहफ्फुज़ फराहम किया जाए।